मैकबुक पे गेमिंग पॉसिबल है क्यों? शौक हो गए ये फ्रेज सुन के? नॉर्मल क्या होता था, अगर आपको गेमिंग करनी होती थी आपको या तो विंडोज डिवाइस लेना पड़ता था, पीसी या तो लैपटॉप, या तो फिर आपको कंसोल लेना पड़ता था, उस पर आप गेमिंग कर सकते थे। बट मैक पे गेमिंग, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन अब नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं एक ऐसे मेथड की बात करूंगा कि जिसको यूज करके आप अपने मैक पे भी काफी अच्छी गेमिंग कर पाएंगे। सो विदाउट फर्दर डू, आई थिंक वी शुड स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम सबसे पहले डाउनलोड करने वाले हैं स्टीम को। वो करने के लिए आपको ओपन कर लेना है सफारी, सर्च करना है स्टीम स्टोर डाउनलोड और पहले ही लिंक पे क्लिक कर देना है। वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है स्टीम की DMG फाइल। एक बार डाउनलोड होने के बाद उसको इंस्टॉल कर लीजिए एंड वंस डन रन द स्टीम ऐप। जितने भी प्रॉम्प्ट्स है सबको अलाउ कर दीजिए। वंस स्टीम इज सेट अप एंड रनिंग, आपको लॉगिन कर लेना अपनी प्री एग्जिस्टेड स्टीम आईडी से, या तो आप नई आईडी भी बना सकते हो। सो वंस यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन इनटू स्टीम स्टोर, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जहां पे आपको ऊपर काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। मैं चाहूंगा कैटेगरीज पे एंड एज यू कैन सी यहाँ पे काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के जॉनर्स अवेलेबल हैं। बट जो हमें देखना है वो देखना है मैक ओएस की कैटेगरी। हम करेंगे उस पर क्लिक एंड जो पेज खुलेगा एंड यहाँ पे जितने भी गेम्स लिस्टेड हैं वो सारी की सारी मैक ओएस कंपैटिबल हैं। ऑल यू हैव टू डू इज एड इट टू योर लाइब्रेरी, या तो आप उनको परचेज कर सकते हैं या फिर कुछ फ्री गेम है जैसे कि काउंटर स्ट्राइक, जिनको मैंने ऑलरेडी अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर रखा है, या तो आप सर्च कर सकते हैं डिफरेंट गेम्स, फॉर एग्जाम्पल Borderlands, द विचर 1, द विचर 2, BioShock। ये काफी सारे ऐसे गेम्स हैं जो मैक ओएस पे चलते हैं। ऑलरेडी मैंने इनको अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर दिया है। जिस गेम को आपको खेलना है उसको डाउनलोड कर लेना है एंड वॉला, वंस इट इज डाउनलोडेड सारे प्रॉम्प्ट्स को अलाउ कर देना है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा काउंटर स्ट्राइक इज रनिंग। Let's play another game. I'm gonna play Borderlands 2 and as you can see, it works just fine. एक और गेम का हम गेम प्ले देख लेते हैं, दैट इज बैटमैन आर्कम सिटी। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे काफी अच्छे हमको FPS मिल जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 60 FPS एवरेज ये पकड़ के चलता है। दैट इज वन नाइस थिंग एंड माइंड यू, मेरा मैकबुक गेम प्ले के दौरान पावर से कनेक्टेड नहीं था, इट वॉज रनिंग ऑन बैटरी एंड हेंस उसके बावजूद आपको ऑन एन एवरेज 60 FPS का गेम प्ले देखने को मिल सकता है इन बैटमैन आर्कम सिटी। सो एप्पल ने अपनी M सीरीज चिप्स का गेम जो है काफी लेवल अप कर दिया है इन GPU डिपार्टमेंट, हेंस दे वोंट रिक्वायर अ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। बट विथ दिस टेस्ट यू कैन सी मेरा मैकबुक एयर 2020 विच रन ऑन M1, काफी पुराना प्रोसेसर वो हो चुका है, स्टिल मैनेजेस टू रन ओल्ड गेम्स क्वाइट वेल। फॉर एग्जाम्पल बैटमैन काफी अच्छा गेम है, इट इज रिलाय वेरी हैवी ऑन फिजिक्स बट इट इज एबल टू रन परफेक्टली। अगर मैं काउंटर स्ट्राइक की बात करूं तो वहां पे तो आपको 100 से ऊपर FPS देखने को मिल जाएंगे, विच डिक्टेट्स कि इसका जो CPU है वो कितना पावरफुल है। तो ये है कुछ गेम प्ले जो मैंने रिकॉर्ड किए थे आप लोगों के लिए, आप इनको देख सकते हैं और जज कर सकते हैं कि M1 कितना पावरफुल है। अगर आप M1 या फिर उससे ऊपर की कोई चिप यूज कर रहे हैं इन योर मैक डिवाइसेस, विच विल बी एबल टू रन एनी गेम सपोर्टेड वेरी 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 स्मूथली। सो ये मेथड यूज करके, स्टीम यूज करके आप कोई भी गेम जो सपोर्टेड हो मैक ओएस पे डाउनलोड कर सकते हैं एंड खेल सकते हैं। काउंटर स्ट्राइक इज वन हेल ऑफ अ गेम जो आज भी इंजॉय करते हैं काफी सारे लोग, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स भी अवेलेबल हैं ऑन स्टीम स्टोर, तो आप वहाँ पे उनको चेकआउट कर सकते हैं। कुछ पेड है कुछ फ्री है, अकॉर्डिंग टू योर बजट आप उनको देख सकते हैं। मैं आपको एक और चीज ये बताता हूँ कि सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है और वो ये कि जिस गेम के आगे
आपको स्टॉप का साइन मिले, दैट मींस इट इजंट एबल टू रन ऑन 64-bit आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर। मैक ओएस कैटेलिना के बाद इन्होंने 32-bit एप्स का सपोर्ट बंद कर दिया है इन मैक ओएस, हेंस 32-bits वाले जितने भी गेम्स होंगे वो नहीं चल पाएंगे ऑन योर मैक बाय डिफॉल्ट। उसका भी एक रास्ता है, अगर आप जानना चाहते हैं वो रास्ता क्या है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। ये वीडियो अगर 5000 लाइक्स तक पहुंच जाता है तो बिल्कुल मैं उसका रास्ता भी बताऊंगा कि कैसे आप 32-bit के गेम्स अपने मैकबुक पे खेल सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप ऐसे सारे इंटरेस्टिंग एंड गेमिंग वीडियोस मिस ना कर पाए। और कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को जरूर से ये बताइएगा कि अगर आपने मैकबुक पे ऑलरेडी गेमिंग कर रखी है तो कौन सा गेम आपने खेला, तो लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि वो गेम भी वो लोग मैक पे खेल सकते हैं। दैट इज वन नाइस थिंग। अनदर थिंग इज कि अगर आप एवरीथिंग एप्पल में इंटरेस्टेड हो, जो कि तुम हो तभी ये वीडियो यहां तक देख रहे हो, तो हमारे एक ऐप है IGV के नाम से ऑन एप्स, तो आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं एवरीथिंग एप्पल कंटेंट। एंड ऑन दिस नोट, दिस इज मी समीर साइनिंग ऑफ एंड आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा, सी या बाय।